प्रणाम बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों अब पिछले पार्ट में हम पेज नंबर 27 तक कंप्लीट कर दिए, अभी आज हम पेज नंबर 28 लिखने जा रहे हैं। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव बच गया था ना, इसे पूरा कीजिए, इसे पूरा करने वाले हैं आज। देखिए बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य पूरा कीजिए, वाक्य पूरा कीजिए। देखिए पार्ट में हम झूला और भालू वाला ये दो कविताएं सीखकर पीछे भी अभ्यास कर चुके हैं, ये भी अभ्यास है बच्चों, ये अभ्यास हम नहीं करे थे ना, इसलिए मैं ही करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, वाक्य पूरे कीजिए। देखिए ये डैश खिल गया, क्या खिल गया बच्चों? फूल, मतलब फूल, फूल खिल गया। शहतूत पर डैश डाल, झूला, झाकू मतलब झूला, झूला। थर्ड वाला देखिए बच्चों, डैश का नाम झमरू था, किसका नाम था बच्चों? झमरू, भालू का नाम था ना, भा लाकू की मतलब लू, भालू। ऋतु डैश था, ऋतु डैश का था, शह था। ये हो गया ना बच्चों, फर्स्ट बिट हो गया हमारा, पेज नंबर 28 है आज का। सेकंड बिट आप लोगों को मेरा नाम तो मालूम हो ना, पांचवा टीचर, मैं आपकी हिंदी टीचर। पेज नंबर 28 में ये देखिए, आप वाक्य पूरा कीजिए, वाक्य पूरा कीजिए मतलब क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस अधूरा है ना, इसे पूरा करना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, आइडेंटिफाई चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र को पहचानते हैं ना बच्चों, क्या है बोलिए, ये क्या है? चित्र को देखिए, ये गोवा, जाम, आप लोग जाम खाते हैं ना, अमरूद। सेकंड बिट आज की डेट डालिए, पहले यहाँ डेट डालकर क्लास को लिखिए, सुबह शुरू कीजिए। अमरूद, ये क्या है बच्चों? ये चित्र बोलिए, सूरज, साकू की मतलब सूरज, सूरज। ये क्या है बच्चों? भाकू की मतलब भालू, मतलब भालू। हो गया सेकंड बिट, थर्ड बिट देखिए बच्चों, राइट द वर्ड सेपरेटली विद द सिंबल्स ऑफ ऊ एंड ऊ, यानी ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा वाले शब्दों को, अक्षरों को, शब्दों को अलग करके लिखना है। ऊ के शब्द वाले यहाँ लिखना है, ऊ के शब्द वाले यहाँ लिखना है। देखिए ऊ के शब्द वाले इधर इधर लिखना है, ऊ की मात्रा वाले इधर लिखना है। अक्षरों को देखिए, गुलाब, गा को छोटी एक मात्रा है, बड़ी एक मात्रा है बच्चों। देखिए फर्स्ट वाला आपको करके ये देखिए, छोटी की मात्रा गुलाब, गुलाब ये करके है आपको। और चूही, चाकू बड़ी मात्रा चू, चूड़ी, चूड़ी आपके मायने थे ना वो। और देखिए गुलाब, चूहिया, देखिए कौन सी मात्रा है बड़ी, ये मात्रा ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये मात्रा वाले अक्षर यहाँ लिखेंगे, वो मात्रा वाले अक्षर वहां लिखेंगे बच्चों। देखिए चाकू, छोटी की मात्रा चू, आकू की मात्रा ही, या को की मात्रा या, चूहिया। और देखिए और कौन सा है, कछुआ का चाकू, छोटी की मात्रा चू, कछुआ। ये देखिए बच्चों, बड़ी ऊ की मात्रा, ये मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखेंगे। देखिए देखिए आप इसमें क्या है, रू, रुपया,
सन सनराइज और नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों अमरूद हो गया ना बच्चों। ये एक ये तीन पार्ट ये तीन बिट्स हो गए थे हमारे वो बिट्स पूरे कंप्लीट हो गए बच्चों। इसी अपना ये पार्ट खत्म हो गया है। देखिए बच्चों होमवर्क रीड पेज नंबर 26 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 पेज नंबर देखिए बच्चों ये पेज नंबर 26 ये आपको एक पढ़ना ही देखिए झूला भालू वाला ये दो पढ़िए। इससे आप अपना पार्ट पूरा कंप्लीट खत्म हो गया ना बच्चों। ये तीन बिट्स छूट गए थे हमारे ये तीन बिट्स कवर कर लिए हो गए। आप सब समझे ना बच्चों। आप अपनी क्लास वर्क कंप्लीट करें ना जो नोट दे जा रहे हैं होमवर्क दे रहे हैं टीचर वो पूरा कंप्लीट करें ना। टीचर के साथ ही जब भी वीडियो देख देना जब भी जो भी टीचर दे रहे हैं उसे पूरा करना है और होमवर्क भी करना है और क्लास वर्क भी कंप्लीट करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे। देखिए ये वाक्य पूरा कीजिए डैश खिल गया ये डैश में क्या लिखेंगे फूल फूल खिल गया शहतूत पर डैश डाल शहतूत पर क्या डालना है झूला डाल डैश का नाम जमरू था। किसका नाम था बच्चों जमरू भालू का नाम जमरू था ना डैश शहदूत था रितु रितु शहदूत था हो गया ना बच्चों। आप सब लिखे आप सब लिख चुके होंगे जिससे हमारे पाठ पूरा होता है। जो भी टीचर लिखा है वो नहीं लिख सके अगर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिखिए मैं नोट्स भी भेजाते हैं। धन्यवाद बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।